सभी प्यारे मित्रों का आप आईएएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी यूपीएससी ने जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का एग्ज़ाम जो है वो लगातार चल रहे हैं। मित्रों, ऐसे का पेपर अभी अभी आ चुका है, आज ही ऐसे का पहला पेपर था। मित्रों, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ऐसे के पेपर में क्या डिफिकल्टी रही और कैसा पेपर यूपीएससी का पहले की अपेक्षा रहा। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको, अगर आप अगले साल भी पेपर देने जा रहे हैं या इस पेपर को अभी जो लोग लिख रहे हैं उनको भी इससे काफ़ी सहायता होगी। जो लोग अभी ये वीडियो देखेंगे उनको ये पता लगेगा कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है और किस हिसाब से इन क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते थे। ठीक है, तो मित्रों, जैसा कि ये आपके जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपका टाइम टेबल है उसमें क्या है कि 20 को आपके ऐसे का पेपर था और सेकंड सेशन में आज कोई पेपर नहीं था। मगर मित्रों, कल से आपको थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ने वाला है, क्योंकि आपको लगातार जो है 2 सेशन होंगे, 9 से 12 और 2 से लेके 5, जो कि यूपीएससी का पैटर्न ही रहता है कि 2 पेपर एक साथ होते हैं। तो मित्रों, लगातार आपके, देखिए, लगातार पूरे हफ्ते भर आपको बस एक दिन का ब्रेक है। ये देखिए, आपको लगातार ये जीएस के सारे पेपर लिखने हैं। मित्रों, कल आपका GS 1 और GS 3 का एक साथ होगा, वहीं देखिए आपका GS 3 और GS 4 का भी एक साथ होगा पेपर। यानी कि देखिए, GS 1 और GS 2 का पेपर एक साथ और GS 3 और GS 4 का एक पेपर एक साथ होगा। वहीं लैंग्वेज का पेपर देखिए आप, इंडियन लैंग्वेज का पहले और दूसरा इंग्लिश का होगा। और वहीं 29 तारीख को आपका जो है ऑप्शनल, जो कि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। मित्रों, तो मैं ये कहूँगा कि ये 2 पेपर जो हैं आपके और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आपकी एंट्री करते हैं, कौन से जो कि आपके ऐसे का पेपर है और ऑप्शनल का पेपर है। मित्रों, ये दोनों आपके ऐसे पेपर्स हैं, इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड करूंगा, इसमें जो पेपर 4 है एथिक्स का प्लस ऐसे प्लस ऑप्शनल, ये देखिए ये 3 की जो तिगड़ी है, अगर आपने इसको अच्छा कर लिया तो आपको ये यूपीएससी की जो सिविल सर्विस एग्जाम है इसको क्रैक करके आईएएस बनने से कोई कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई नहीं रोक सकता। जीएस के पेपर्स का भी काफ़ी रोल है, मगर मित्रों ये जीएस जो है ये गागर है, इसे इसे आप सागर कह सकते हैं, इसे सागर से आपको गागर भरनी है। तो इसमें आपको स्पेशलिस्ट नहीं जनरलिस्ट बनना है, यानी कि जीएस, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज़, आपको इसमें बहुत ही जनरलिस्ट व्यक्ति बन के रहना है। अगर आप जनरलिस्ट रहेंगे तो जीएस का पेपर आप आसानी से निकल जाएंगे। मगर मित्रों, आपको क्या करना है, ऑप्शनल में आपको बहुत ही स्पेशलिस्ट रहना है। मित्रों, अगर आप ऑप्शनल में स्पेशलिस्ट हो गए मित्रों, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी, आपको के पूरे 500 नंबर का ये पेपर आपका जो है पूरा रहने वाला है। वहीं ऐसे का पेपर रहने वाला है, ये GS 4 का पेपर रहने वाला है। मित्रों, तो आप कुल मिला के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन चारों पेपर में रहे। तो आज का पेपर देखते हैं कि क्या ये मध्यम था, क्या ये हार्ड था। तो देखिए मित्रों, जैसे कि इसमें साफ स्पष्ट हमने जो पीपीटी बनाई है इसमें दिख रहा है कि अभी पैटर्न में फिलहाल कोई चेंज नहीं है यूपीएससी के, और जो है आपको 2 ऐसे लिखने हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो देखिए हम इसको दिखाते हैं कि ये कैसा है। देखिए, आपका ऐसे का जो पेपर होगा वो दो दो सेट में होगा, यानी कि आपका सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। दोनों में से आपको एक एक ऐसे एक टॉपिक, मान लीजिए आपने दोनों में से वन वन टॉपिक चुना और क्वेश्चन नंबर भी वन एक ही लिया, तो आपको दोनों में से एक एक टॉपिक लेना है मित्रों। और प्रत्येक टॉपिक के आपके जो हैं 125 नंबर हैं और आपको 125 मार्क्स हैं और 250 नंबर के दोनों ऐसे होने वाले हैं, यानी कि सेक्शन ए 125 का है और सेक्शन बी आपका 125 नंबर का है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि 250 नंबर ये आपको केवल 2 ऐसे के मिलने हैं, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये जो पेपर है आपका गेम चेंजर होने वाला है। तो देखिए ये पेपर सेक्शन ए में देखिए पूरे फिलोसफिकल ऐसे हैं मित्रों, पूरे फिलोसफिकल ऐसे हैं जैसे कि यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, विजडम फाइंड्स ट्रूथ सबसे पहला ऐसे। इसमें मित्रों आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं, एग्जाम्पल देखे कि किस तरीके से जो है बुद्धिमत्ता ने जो है अपना रास्ता खुद निकाला। आप तेनाली रामा का एग्जाम्पल देके स्टार्ट कर सकते हैं, आप एल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जाम्पल देके स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका आप एग्जाम्पल देके स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं वैल्यूज़ की अगर हम बात करें मित्रों, वैल्यूज़ की अगर बात करें, आप एथिक्स पेपर 4 में भी पढ़ते हैं कि वैल्यूज़ आर नॉट वट ह्यूमैनिटी इज बट वट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। तो ये आज का ऐसे था।
तो इसको मित्रों आप बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हो, क्योंकि आपने एथिक्स पेपर 4 बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी पेपर 4 की, जो कि आपके लिए बहुत ही अंकदायी प्रश्न पत्र होता है मित्रों। तो देखिए, इसके बाद बेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ नॉट नेसेसरी टू बी बेस्ट फॉर सोसाइटी। देखिए, जैसे कि ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति का हित जो है समाज का हित नहीं हो सकता, तो यही एक ऐसे का वो था कि क्या एक व्यक्ति का जो सर्वाधिक हित है वो क्या समाज का हित हो सकता है, इसके भी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया हो सकते हैं। मगर मित्रों, मेरे हिसाब से आपको जो इसमें पक्ष लिखना था वो पक्ष आपने ये लिखना था कि जो समाज है उसका निर्माण की जो जड़ है, द सोसाइटी इज फॉर्म्ड एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ पर्सन सेक्रीफाइस इज हिज राइट एंड ही गेट सोशल राइट्स एज अ ऑब्लिगेशन इन विच ही हैव टू परफॉर्म सर्टेन राइट्स सर्टेन ड्यूटीज इन विच इन लियू ऑफ विच ही गेट्स राइट्स, फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये सारे राइट्स जो हैं उसे मिलते हैं किसके बदले में, वो जो समाज में जितने भी उसके दायित्व हैं उनके निर्वहन का। दायित्व क्या है? टैक्स पे करना। और ये भी मतलब इंडिविजुअल सोवरेनिटी वो सरेंडर करता है, उसके बदले में उसे क्या मिलता है? सोशल सोवरेनिटी मिलती है, यानी कि सामाजिक प्रभुसत्ता मिलती है मित्रों। तो देखिए, इसके बाद इसको मैं आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से शुरुआत करनी है। अंत में आप दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज को जो है बैलेंस्ड वे में आपको एक, क्योंकि एक आईएएस बनना है तो एक बैलेंस्ड वे में आपको लिखना है। तो अब वही करेज टू एक्सेप्ट डेडिकेशन टू इम्प्रूव, देखिए अगला ऐसे का टॉपिक है, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू वे टू सक्सेस। देखिए ये क्या कहता है कि आप में साहस होना चाहिए जो आपने गलती की है उसको एक्सेप्ट करने का, और दूसरा क्या है, आप में डेडिकेशन होना चाहिए कि आप इम्प्रूव करें, यही सक्सेस की कुंजी है। देखिए ये आपके लिए मित्रों वरदान साबित हो सकता है, इसको अपने यूपीएससी के आपकी तैयारी में आप ले लीजिए कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने कल कौन कौन सी गलतियां की। एनालाइज योर मिस्टेक, आप अपनी अगर मिस्टेक को नहीं एनालाइज करेंगे तो आप यूपीएससी का एग्जाम सक्सेस नहीं कर सकते। कल की मिस्टेक आप एनालाइज कीजिए, आज आप उस पे सुधार कीजिए, तब जाके आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सतत सुधार का नाम ही है यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम। तो मित्रों, इसका आप कैसे आंसर लिखेंगे, मुझे मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैसे आपने लिखना है, पूरा ऐसे कैसे लिखना है। मित्रों, आप आंसर लिख के इन सभी के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जो है आप कमेंट कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। आगे मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूंगा, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप बिजनेस पे हमारे जो है आप भेज सकते हैं, हम आपका जो है पूरा ऐसे आपका हम चेक करके देने वाले मित्रों। तो आगे देखिए, सेक्शन बी का हम बात कर लेते हैं मित्रों। सेक्शन बी में देखिए ऐसे आया है जो कंटेम्प्रेरी, जो यूपीएससी का है, पहले वाले में तो उसने पूछा फिलोसॉफिकल ऐसे, अब यहाँ पे आ गया कंटेम्प्रेरी इशूज से रिलेटेड जो ऐसे हैं जो कि आपको जनरली पता होते हैं, जैसे कि साउथ एशियन सोसाइटी आर वोवन अराउंड द स्टेट बट अराउंड द प्लूरल कल्चर एंड प्लूरल आइडेंटिटीज़। अब देखिए मित्रों, कितना सरल सा क्वेश्चन है, आपको साउथ एशियन सोसाइटीज़ के बारे में पूरा पता है, आपको प्लूरल कल्चर और प्लूरल आइडेंटिटीज़ के बारे में सब कुछ पता है, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। बस ये है कि एग्ज़ाम पोजीशन में बहुत सारी जो स्टेटिस्टिक और डाटा हैं आप उनको लेके आप जो है बहुत तरीके से वो कर सकते हैं। अब देखिए, नेग्लेक्ट टू प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इज इन इंडिया आर द रीजंस फॉर बैकवर्डनेस। देखिए मित्रों, ये तो बहुत से जो छात्र हैं उन्होंने हमें कमेंट करके और हमारे जो ईमेल है उस पे मेल करे हैं और टेलीग्राम चैनल पे हम पे लगातार लोगों ने मैसेज किए हैं कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो ऐसे है, ये बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसके लिए उनके पास डाटा था, एएससीआर की रिपोर्ट थी उनके पास, और बहुत सी इसको डाटा और रिपोर्ट्स जो थी, WHO की रिपोर्ट हो गई और भी जितनी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हैं, वो सभी हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड उनके पास थी। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने आसानी से वो डाटा को जो है सिस्टमेटिक वे में, पहले उन्होंने उसके क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिसिज्म से शुरुआत की है तो लास्ट में बैलेंस्ड व्यू रख लिया, यानी कि देखिए यूपीएससी का एग्जाम क्या है, आपको बैलेंस्ड रहना है, आपको एक आईएएस है तो आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएंगे, आप ना ही एग्रेसिव होंगे, आप ना ही सप्रेसिव होंगे अपने आंसर में, तो ये अप्रोच आपको अपनानी है। देखिए, बायस्ड मीडिया इज रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अब देखिए, इसने स्टेटमेंट ही दे दिया कि मीडिया बायस्ड है,
रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी। मगर आपको इसमें क्या करना है, इसने क्वेश्चन तो ये दिया है कि बायस्ड मीडिया इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी। आप देखिए पहले इसमें मीडिया की जो है क्या क्या दुष्परिणाम है उनको हाईलाइट कीजिए। तो ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंतरिक डिमांड है कि बायस्ड मीडिया, तो बायस्ड मीडिया के साथ ये डिमांड कर रहा है कि जहाँ बायस्ड मीडिया जो है डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है, तो वहीं अच्छा मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का तीसरा पिलर है, जो जो कि कहा जाता है मीडिया डेमोक्रेसी का जो स्तंभ है, आधार स्तंभ जो है मीडिया है। अगर आपका जो मीडिया है वही बायस्ड हो जाएगा, तो डेमोक्रेसी का आधार स्तंभ जिसे जनता की आवाज़ कहा जाता है और जो काम करता है गवर्नमेंट और पीपुल के बीच में, एक ब्रिज का जो काम है वो करता है कौन, मीडिया। अब ये मीडिया ही बायस हो गया, ये मान लीजिए सरकार के पक्ष में बायस हो गया, तो मित्रों इस जनता का क्या होगा, इसकी आवाज़ को इस तक कौन पहुंचाएगा, ये तो बीच का जो लिंक है वो ही टूट जाएगा ना मित्रों। तो देखिए इसको आप ऐसे डायग्राम बना के भी, ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे पीपुल हैं और ये मीडिया है, अगर ये बायस हो गया तो आप ये दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ऐसे करके आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इनोवेशन आप अपने आंसर्स में लाएंगे, आप दूसरों से उतने आगे निकल जाएंगे मित्रों। और ये फ्लो चार्ट, ये डायग्राम और ये सब चीज़ें ही आपको औरों से ज़्यादा नंबर लाते हैं। अब देखिए राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रियल थ्रेट है किसके लिए, जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। तो देखिए कितना कितना जो है जनरलाइज टाइप का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कितना जनरलाइज टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो थ्रेट है जॉबलेस इकोनॉमी और इसके ऊपर। तो आप देखिए नीति आयोग ने अभी स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है नीति आयोग ने वो रिलीज की है, आप उस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िए। अगर आपने वो नहीं पढ़ लें कोई बात नहीं, हम उसकी समरी आपके लिए एक वीडियो में आपके लिए बना देंगे, आप वो देख लीजिएगा। मगर ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, और मित्रों मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा कि समरी तो हमारी देखें ही, मगर ये डॉक्यूमेंट आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपको बहुत वो होगा। और नीति आयोग का एक और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, नीति आयोग विजन @25। तो आप इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़िए, जितने भी ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं आप इनको जरूर पढ़ें, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा आपको देंगे और एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव आपको देंगे। तो मित्रों मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि इतने कम समय में, यानी कि आपको 250 मार्क्स के जो ये दो क्वेश्चन करने हैं आपको कैसे आपको हैंडल करने हैं, 1200 वर्ड का एक दो आपको ऐसे लिखने हैं और वो भी इतने कम समय में, तो आप इन ऐसों को कैसे टैकल करेंगे। मुझे लगता है ये ऐसे के क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत समझ में आ गया होगा बहुत हद तक कि किस तरीके से टैकल करना है मित्रों। तो आप मित्रों, आपको जैसे कि मैं बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल है आप IAS, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जो है नोटिफिकेशन बटन में जाके पर्सनल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको जो है इस वीडियोस का अपडेट हमारे मिलते रहें। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि है facebook.com/app-IAS14, आप इससे हमारे उसमें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हम मित्रों लगातार ये जितनी भी PPTs और जितने भी टॉपरों के नोट्स हैं हम शेयर कर रहे हैं मित्रों, आप लगातार हमसे जुड़िए, जो कि टेलीग्राम पे चैनल है telegram/app-IAS। मित्रों आप हमें मेल भी कर सकते हैं, app-IAS.help@gmail.com पर आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और मित्रों हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज के जो भी क्वेश्चन हैं आप उनको लिख के 9994943600 पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम उनको चेक करके एक्सपर्ट से रिव्यू दिला के आपको ये देंगे। तो मित्रों मैं थोड़ा सा आपके लिए अंत में ये आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, आप ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट मित्रों, जल्दी लीजिए, ताकि जो है आप इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकें, इन इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद मैं अंत में यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इनिशिएटिव आपके लिए ला रहे हैं। देखिए मित्रों ज्योग्राफी की हम सीरीज आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं, आपके लिए बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदू और ये देखिए दैनिक हिंदी संपादकीय हम लॉन्च कर चुके हैं, करंट अफेयर में हम MCQ सीरीज डिस्कस कर सकते हैं और हिंदी साहित्य की ऑप्शनल की सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं मित्रों। ये देखिए आपके लिए कितने निःशुल्क में, जहाँ चारों ओर व्हाट्सएप और फेसबुक पे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं और लगातार वो चल रहे हैं, आप IAS की टीम इतना क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क ला रही है। तो आपका एक फर्ज बनता है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पहुँचाएं,
क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है कि आप बने आईएएस, क्योंकि हमारा नाम है आप आईएएस। तो मित्रों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने जो आज के एसेज हैं उनको कमेंट जरूर करें। मैं आपको फिर से एक बार छोड़े जाता हूँ इन एसेज के साथ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से जल्दी इसको कमेंट करें, ताकि आप बन सके आईएएस और आज से ही आप ये आंसर राइटिंग शुरू करें। धन्यवाद मित्रों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।